जब हमारी क्लासेस का पहला दिन होता है तो उस दिन हम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, इस बार कुछ भी हो जाए हम रोज का रोज पढ़ेंगे, कुछ भी इकट्ठा नहीं होने देंगे, अपने टीचर के साथ बराबर चलेंगे। और कहते भी हर टीचर कि कंसिस्टेंट रहो, बस तुम कुछ मत करो, रोज का रोज पूरा कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं यही करूंगा और डे वन पे आप ये डिसाइड कर ले तो अपने आप से प्रॉमिस करते हो। मैक्सिमम 5 से 7 दिन ये चीजें चलती हैं, फिर अचानक से एक दिन ऐसा होगा आपका मन करेगा कि आज नहीं पढ़ाई करते हैं और कल मैं दुगुना पढ़ लूंगा और इसको कवर कर लूंगा। अगले दिन आप आधा भी नहीं पढ़ते हो, दुगुना तो छोड़ दो, फिर क्या होगा वो बाकी हो जाएगा आपका। फिर ऐसे धीरे धीरे टीचर तो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी चीजें इकट्ठा होती जा रही है और आप धीरे 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 पीछे होते जा रहे हो। टीचर अगला चैप्टर शुरू करेगा, अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर का कुछ कंटेंट यहां पर कनेक्ट करेगा, जैसे कनेक्ट करेगा आप फिर से नहीं कनेक्ट कर पाओगे और फिर टीचर और आपके बीच में गैप बनता जाएगा। फिर आपको क्या होगा, आपको क्लासेस अटेंड करने का मन नहीं करेगा, लाइव क्लासेस से रिकॉर्डेड क्लासेस की तरफ शिफ्ट होने लगोगे कि अब चलो मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, क्या ही लाइव में फर्जी समय बर्बाद करना, लाइव में तो टीचर समय बर्बाद करते हैं, बतिया बतिया के समय बर्बाद करते हैं, हम रिकॉर्डेड में उसको स्किप कर दिया करेंगे। अपने आप को आप समझाते हो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आप रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखते हो। फिर धीरे धीरे चीजें इतना इकट्ठा हो जाती हैं कि हमको पढ़ाई में मन नहीं करेगा, हम चाहेंगे पढ़ना लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। फिर एक गैप, वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि उसको फिल करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं कि अब हमारी दीपावली की छुट्टी आएगी, दुर्गा पूजा की छुट्टी आएगी, इसमें मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, लेकिन फिर वही भाई फेस्टिवल्स तो मनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर सीधी सी बात है कि उस समय भी हम नहीं पढ़ेंगे। और फिर आपको पास को दोबारा मौका नहीं मिलता, जब क्रैश कोर्स आता है तब जागते हैं कि अब तो मैं 2 महीने एकदम रगड़ कर मेहनत करूंगा, 15 घंटे 20 घंटे। चूंकि आपके 6-7-8 महीने से अगर वो टेंडेंसी ही नहीं बनी है तो अचानक से 2 महीने के लिए आपकी टेंडेंसी बन जाएगी, नहीं पॉसिबल होता। और चीजें 8 महीने की 6 महीने की आप 1 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। रिजल्ट आपको मिलेगा आपके अनुरूप, कभी नहीं मिलेगा। जो बच्चे अभी से कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे बराबर हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तो क्या करें, इसका कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल उपाय है। कैसे, बस क्या होता है ना कि हम अपनी स्ट्रेटजीज गलत लेके चलते हैं। हमारा क्या होता है, पहले जो छूटा है पहले उसको कंप्लीट कर ले फिर आगे हम पढ़ेंगे, और इस चक्कर में कभी हम टीचर के बराबर हो ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। सब कुछ संभव है, बस डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच कैसी है। सबसे पहली चीज, बैकलॉग क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि जो आप टीचर के साथ बराबर नहीं हो पाते हो, धीरे धीरे पीछे होते जाते हो और पीछे होते जाओगे तो बहुत कुछ इकट्ठा होता चला जाता है, उसी को बैकलॉग कहते हैं। बात आती है कि बैकलॉग क्यों होता है, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो जेन्युइन रीजन है, हो सकता है आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई फंक्शन पड़ गया, आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऐसे कुछ जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप यहां पर पीछे हो सकते हो अपने टीचर्स के साथ। एक रीजन ये हो सकता है कि आप लापरवाह हो, एक नंबर के आप आलसी हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, तब आपका यहां पर बैकलॉग हो सकता है यहां पे। अब आखिर इन बैकलॉग को दूर कैसे कर सकते हैं हम लोग यहां पे। सबसे पहले चीज, आप जब ये देखो कि मैं 10 लेक्चर पीछे हो चुका हूं, उस दिन आप बैठिए पहले शांत दिमाग से, ये देखिए कि अभी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है। करंट में जो चैप्टर चल रहा होगा, पहले ये पता करिए क्या वो चैप्टर जो है वो किसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, पिछले वाले चैप्टर से क्या कनेक्टेड है, कि अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। और या तो ऐसा है कि इस वाले चैप्टर के लिए पिछले वाले के बस ये 1-2 चीजें हैं, अगर ये पढ़ा होगा तो ये वाला चैप्टर यहां पर चल जाएगा, काम हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने आप टीचर से पूछोगे कि सर एक बात बताइए कि मैं पिछला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हूं, क्या मैं ये चैप्टर पढ़ सकता हूं, और अगर मुझे ये चैप्टर पढ़ना ही है तो इसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होगी कि पिछले वाले चैप्टर्स की पढ़ी होनी चाहिए। तो पहले करंट सिचुएशंस को एनालाइज कर लो। जैसे ही आपने एनालाइज कर लिया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स होंगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पहला काम क्या छूटा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। पहले आप एक काम करो, जो आपका तुरंत अभी जो करंट में चल रहा है पहले आप सर के बराबर हो जाओ। उसके लिए जो छोटी मोटी चीजों की रिक्वायरमेंट्स है पिछले चैप्टर्स के, पिछले छूटे हुए लेक्चर्स की, उनको रात दिन करके जाए जैसे कंप्लीट कर लो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा कि पिछला 10 लेक्चर 10 का 10 इंपॉर्टेंट था, नहीं, उस 10 में से कुछ चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी, उन चीजों को आप कंप्लीट करोगे चाहे जैसे।
अब वो चाहे जैसे कैसे कर सकते हो, उसका तरीका क्या होता है, हमारे पास है वीडियो लेक्चर का एक्सेस। हम वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 1.25 जितना हम समझ पाए। हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम हाँ कोई भाई कैलकुलेशन है, कोई इक्वेशन उसको लिखेंगे, लेकिन हम कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स तो हम आपको दे देते हैं ना, पीडीएफ नोट्स आपके पास होती है ना, तो आप जो है नोट्स नहीं बनाएंगे उस ड्यूरेशन में, क्योंकि पहला लक्ष्य है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, क्योंकि वो अभी करंट में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस बचे हुए लेक्चर्स हैं उनको हम थोड़ा सा स्पीड अप करके नोट्स ना बनाते हुए हम बुकलेट प्रिंट करवा सकते हैं। बुकलेट अपने पास प्रिंटेड रखें, उसी बुकलेट में थोड़ा बहुत यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास पीडीएफ नोट्स होती हैं तो टीचर की नोट्स भी हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अभी करना क्या है, अभी हमको नोट्स बना के वो नहीं काम करना, अभी हमको क्या करना है, हम अपने टीचर के साथ बराबर होना चाहते हैं। करंट में जो चल रहा है वो हम उनके साथ होना चाहते हैं, वो मोस्ट कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपने ये किया कि जो अभी चल रहा है उसको हम अभी नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग में करेंगे, पहले हम पीछे वाला कंप्लीट कर लें, आप यकीन मानो मेरी इस बात का, वो दिन कभी आएगा ही नहीं जिस दिन आप अपने टीचर के बराबर हो जाओ। कभी वो दिन आ ही नहीं सकता, कहिए मैं लिख कर दे देता हूं ये बात, हो ही नहीं सकता ये चीज। तरीका यही है कि आप करंट वाले चैप्टर के साथ बराबर हो जाओ, पिछले वाले चैप्टर को जिस तरीके से अभी मैंने बताया उस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। मत बनाओ नोट्स अभी के लिए, हम कब उसको मैनेज कब करेंगे, कब नोट्स बनाएंगे, छुट्टी मिलेगी, संडे आएगा, कोई छुट्टी आएगी, दुर्गा पूजा आएगा, दुर्गा पूजा दीपावली नया चीज नहीं पढ़ना है, पढ़ी हुई चीज है, ऑलरेडी आप उन लेक्चर्स को देखे थे स्पीड अप करके, अब नोट्स बनाना है प्रॉपर। अब हम बुकलेट नोट्स इन सब चीजों की मदद से अपना एक प्रॉपर अपनी हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे। ये होता है तरीका जिससे आप कवर अप कर सकते हो। यहां पे दीपावली और दुर्गा पूजा में नया कुछ पढ़ने जाओगे पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना घर में, भाई मेहमान आए होंगे या हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होगा, नहीं कर पाओगे, बहुत सारे काम होते हैं घर में, नहीं हो पाएगा मैनेज, नहीं है पॉसिबल कुछ भी करोगे, ये सब जबरदस्ती वाली चीजें नहीं होती हैं। तो पहली चीज है कि करंट सिचुएशन को एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। यहां पे अपने टीचर के साथ होना है कैसे भी करके, कैसे भी करके आपको अपने टीचर के साथ हो जाना। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि अपने नोट्स और वीडियो लेक्चर को मैनेज करो। कैसे मैनेज करोगे, वीडियो को तेज कर लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, जो क्लास नोट्स दी जाती है पीडीएफ और जो आपके पास बुकलेट होता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, बुकलेट प्रिंट रखोगे उसी में नोट डाउन कर लोगे। यहां पे छुट्टी का मतलब आपके लिए उपहार मिल गया, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो जो आपकी छुट्टी हुई है। ऐसा कोई चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़े चैप्टर्स हैं, अब हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आप अब उसका नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पीडीएफ नोट्स सेपरेटली एक जगह रखो और उसके नोट्स से ही उसको पलट लिया करना, कोई जरूरत नहीं, टीचर तो अपना बोर्ड पे लिख रहा है ना, नोट्स लिखा हुआ है ना, तो कोई जरूरत नहीं। तो बुकलेट के माध्यम से या उसके क्या कहते हैं जो टीचर की जो अपनी क्लास नोट्स पीडीएफ होती है उसके थ्रू आप उसको कवर कर लोगे। उसकी नोट्स नहीं भी बनी रहेगी तो एज सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नोट्स बनाने के चक्कर में अगर आप यहां पर पीछे हो जाते हैं अपने टीचर के साथ, करंट वाले चैप्टर को आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस में है तो ऑफलाइन क्लासेस आना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पिछला वाला कंप्लीट करेंगे तब हम अपने सर के साथ बराबर होंगे। ऐसी गलतियां मत करना, ये सब गलतियां ऐसी होती हैं जिसका कोई सलूशन आपको एंड ऑफ दिस सेशन तक नहीं मिलेगा और कभी आप बराबर नहीं हो पाओगे। यहां पर समझ रहे हो इस बात को? यहां पर तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस करिएगा तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अभी कोई बहुत बड़ा बैकलॉग किसी का नहीं हुआ होगा मुझे पता है, तो अभी आपके पास मौका है। जैसे आपको पता है कि अभी जो होगी आपकी दुर्गा पूजा की छुट्टियां आएंगी, तो अभी के लिए क्या करो, वीडियोस को तेजी से देख लो, क्लास नोट्स जो पीडीएफ उनके थ्रू देख लो, कुछ नोट्स मत बनाओ, समय तो नोट्स बनाने में लगता है ना, कॉन्सेप्ट को सीख जाओ, उसके बाद अपने टीचर के बराबर हो जाओ, नोट्स बना लीजिएगा दुर्गा पूजा की छुट्टी में, चीजें बराबर हो जाएंगी आपकी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यहां पर, ठीक है? तो इस तरीके से इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करिएगा और निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ यहाँ पर हेल्प जरूर मिलेगी। और इसको जब अप्लाई करिएगा तो बताइएगा क्या सच में ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।